पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सब आसाम को एक बेहतर प्रदेश बनाऊंगा, भारत वर्ष का अंदर में आसाम को एक शक्तिशाली प्रदेश बनाऊंगा। और आप लोगों का जो बलिदान रहा, ये बलिदान को हमने आगे रखते हुए आसाम को शांति, प्रगति और विकास का ओर लेके जाऊंगा। पुनः एक बार मैं आज का ये हिस्टोरिकल ओकेजन में आसाम वासियों को मैं पुनः नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया है। और इस समझौते में सबसे बड़ा यश अगर किसी को जाता है तो उल्फा के प्रतिनिधियों को जाता है, जिन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ये समझौता किया है, विश्वास रखकर शांति की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि समझौते की सारी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेडिशन गामसा प्रदान कर आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर आसाम एवं अन्य सीनियर ऑफिसर्स का स्वागत करें। धन्यवाद। Most Honorable Minister of Union Government of India, Most Honorable our Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Most Honorable Secretary A.K. Bhalla, Most Honorable D.I.B. Upan Kumar Dutta, and all revered officials present here from Government of India and Government of Assam. Sir. इनको थोड़ा सा पीछे कर देना।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माय ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड आवर बिलवेड चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हिमंत बिस्व शर्मा जी एंड टू ऑल दिस डिग्निटरीज, इट वुड नॉट हैव बीन हैपेंड. वी अश्योर यू ऑल द डिग्निटरीज एंड आई वुड लाइक टू सेंड दिस मैसेज टू माय ऑनरेबल मोस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड Assam Chief Minister Honorable Hemanta Biswa Sarma ji, that this accord will bring lasting peace as well as development in Assam, and we Ulfa hereby we would like to confess that we are very very happy for resolutions we have got from you, and in this very 12 years of our negotiation on behalf of Ulfa, so many things happened therein because we were not a persons to be as like as you are. So henceforth, I apologize for any wrongdoings hearing from our side, and hopefully, I again request you, basically, the most revered Home Minister of Government, Indian Government of India, and our beloved and honourable Chief Minister, Hemanta Biswa Sarma, anyhow, to implement as soon as it is possible and is proper. This much is thank you very much to all and people. Thank you very much. Honourable Mukhyamantri ji ko dhanyavaad. सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारीगण, अल्फा का सारे डेलीगेशन इंक्लूडिंग चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारे लोग, हमारे सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिनिधि मंडल, आज असम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा असम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा. प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था. आज सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाओ में हमने बोडो अकॉर्ड किया, कार्बी अकॉर्ड किया, आदिवासी अकॉर्ड किया और करीबन 8756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है. तीनों अकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों अकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका असम में. आज सभी मेन स्ट्रीम में है. अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था. धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा. एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ ये इतिहास एक हिसाब से ब्लड सेट का इतिहास रहा. काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में. एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ. वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे. सारे लोगों मिला के 10,000 जैसा लोगों का निधन हुआ और ये सारे 10,000 लोग अगर हम सिक्योरिटी फोर्स का 200-300 शहीदों को मैं छोड़ देता हूं तो ये 9,500 और जो लोग हैं ये असम का ही था, ये हमारे असमीस लोग ही था जिसका पूरा ये 20 साल का दौरान निधन हुआ. कोई खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको क्यों मारा गया. बहुत लोगों को अपना ड्यूटी में चला गया, बम ब्लास्ट हुआ, वो मर चुका. उनका फैमिली को आज भी ये जवाब नहीं है कि मेरा हस्बैंड मेरा बेटा को क्यों मारा गया, कोई नहीं जानते हैं. और जो लोगों को मारने के लिए बोला गया है शायद वो लोग भी नहीं जानते हैं, जानते थे मैं इसको क्यों मार रहा हूं. ऐसा ही असम का इतिहास रहा. धीरे धीरे हिस्ट्री आगे बढ़ा. हमारा अल्फा का
चेयरमैन का नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारत सरकार का साथ बातचीत करके यह समस्या का हल करूंगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही डिसिसिव स्टेप लिया कि हम अल्फा का साथ निगोशिएट करूंगा और ये सारे जो इश्यूज है इनको एक क्लोजर तक लेके आऊंगा। आज इसी का ही फल है कि हमारा आज एकॉर्ड होने जा रहा है। ये एकॉर्ड का जरिए असम का जो लोगो है, लोगों का काफी सारा एस्पिरेशन फुलफिल होगा। एकॉर्ड है या एकॉर्ड नहीं है, इन जनरल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आउटरीच रहा नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, इसका कारण असम में एक पूरा शांति का माहौल हुआ और ये सारे जो एकॉर्ड हुआ, ये सारे एकॉर्ड का कारण ये शांति का माहौल को काफी बल मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अपना इनिशिएटिव रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का साथ पूरा आगे ले जाना है, इसीलिए असम त्रिपुरा हर जगह में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज शांति का पहल हुआ। काफी सारे इलाका से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का विड्रॉ हुआ। आज असम में खाली 15% इलाका में ही आपसा है, बाकी 85% इलाका से आपसा का विड्रॉ भी हो चुका है। ये एकॉर्ड का बात मैं विश्वास करता हूँ कि असम में पूरा स्थायी शांति आएगा और ये एकॉर्ड के लिए मैं अल्फा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ने ये स्वीकार किया, आप लोग ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार का और असम सरकार का साथ एकॉर्ड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज किया कि सारा एकॉर्ड हो जाए, असम में शांति आए। मैं असम वासियों का ओर से आज का ऐतिहासिक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ में अल्फा का नेतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आज का ये हिस्टोरिकल एकॉर्ड के लिए। ये एकॉर्ड में काफी सारे चीज है जो असम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, काफी सारे चीज है जो भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बोडो एकॉर्ड, कार्बी एकॉर्ड, आदिवासी एकॉर्ड, सारे एकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्रालय ने काम किया, हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला और असम सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कदम उठाया। मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूँ कि ये अल्फा का जो एकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री आज के इस ऐतिहासिक समारोह में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान बल्ला जी, आज सूचना ब्यूरो के चीफ श्री डेका जी, उल्फा के सारे प्रतिनिधिगण, नॉर्थ ईस्ट और असम के अलग अलग जाति संगठनों के और स्टूडेंट फेडरेशन के प्रतिनिधिगण और प्रेस के मित्र, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज असम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से असम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए, मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधी समझौते
अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रेकोर पर 9000 से ज्यादा कादर ने सरेंडर किया है। और आसाम की बात मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है। और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोलाबारों को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सिर्फ उल्फा के संघर्ष की बात करें तो करीब करीब 10,000 लोग उल्फा के इतने लंबे समय के संघर्ष में मारे गए और 1979 से लेकर अब तक आइदर और साइड से जो भी मारे गए होंगे वो सभी इस देश के ही नागरिक हैं। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे आसाम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो आसाम की ही बात करें तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद घटनाओं में 87% की कमी हुई, मृत्यु में 90% की कमी हुई है और अपहरण में 84% की कमी हुई है और अकेले आसाम में अब तक 7500 कैडर ने सरेंडर किया है और इसमें आज 700 की संख्या बढ़ जाएगी। तो अकेले आसाम में 8200 कैडर का सरेंडर होना आसाम के लिए शांति के नए युग का सूत्रपात है। समझौते जो हुए, समझौते से समाधान तक की पूरी यात्रा को मैं जरूर बताना चाहूंगा। 2019 में एनएलएफटी के साथ त्रिपुरा में समझौता हुआ, 2020 में ब्रू समझौता हुआ, 2020 में बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्मी समझौता हुआ, 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, 2022 में आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ और अभी अभी 2023 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का समझौता हुआ और आज उल्फा के साथ समझौता हो रहा है। मैं मानता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के लिए एक शांति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मैं आज उल्फा के सभी प्रतिनिधि को हृदय से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा भारत सरकार पर रखा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आपकी मांग किए बगैर ही इस सारी चीजों को पूरी करने